हांगकांग में हो रहे जबरदस्त प्रदर्शन दरअसल एक प्रेम कहानी से शुरू हुए। हाय, मैं चैन हूँ, यहाँ बिजनेस स्कूल में पढ़ता हूँ। हाय, मेरा नाम पुन है, मैं यहाँ खाना पकाने सीखने आई हूँ। जल्द ही चैन टोंग काई और पुन यू विंग दोनों को प्यार हो गया और 2018 में अपना पहला वैलेंटाइन डे साथ मनाने के लिए टाई पे रवाना होने से पहले पुन ने फेसबुक पर लिखा, मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि चैन ने मुझे अपनी पहली और आखिरी मोहब्बत कहा। लेकिन दो ही दिन बाद युवा प्रेमियों के बीच एक छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया, एक गुलाबी बैग में कपड़े कैसे बिठाए जाएं। वाद विवाद के दौरान पुन के मुंह से निकल गया, मैं पीट से हूँ, मेरे पहले वाले बॉयफ्रेंड के बच्चे के साथ। ये सुनते ही गुस्से में आकर चैन ने पुन का सर दीवार पर दे मारा और करीब 10 मिनट तक होटल कमरे की फर्श पर उसे हाथापाई करता रहा, फिर गला घोटकर उसे मार डाला। उसने पुन के शरीर को उसी गुलाबी सूटकेस में भरा और ऐसे आराम से सो गया मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो दोनों सिर्फ 7 महीने पहले ही मिले थे। जब अपने कहने के अनुसार पुन 17 फरवरी को वापस नहीं लौटी तो उसकी माँ ने 5 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज की। चैन से पूछताछ हुई। हाँ, हम दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी तो हुई थी, उसके बाद हम दोनों अलग हो गए, फिर क्या हुआ ये मुझे पता नहीं। पर फिर ताइवानी पुलिस ने होटल सीसीटीवी कैमरे की तहकीकात में चैन को एक भारी गुलाबी सूटकेस ले जाते देखा। जब चैन को वो वीडियो दिखाया गया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और वो जगह भी बताई जहां पुन का सड़ा हुआ शव उसने गुलाबी बैग से निकालकर फेंका, ताइपे, ताइवान के जुई ट्रेन स्टेशन के उत्तरी इलाके में। चैन को पुन के कत्ल के इल्जाम में हांगकांग पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया मगर कार्यवाही नहीं कर पाए क्योंकि गुनाह ताइवान की हद में हुआ था। चैन को इस भयंकर कत्ल की सजा मिल सकती थी अगर हांगकांग और ताइवान के बीच प्रत्यर्पण संधि होती, पर ऐसा नहीं था। बीजिंग नियुक्त हांगकांग के मुख्य कार्यकारी कैरी लैम ने इस अवसर का फायदा उठाकर अप्रैल 2019 में घोषित किया, हमें विदेशी देशों से प्रत्यर्पण संधियां होनी चाहिए ताकि अपराधी कानून का फायदा ना उठा सकें। इस प्रस्ताव के अनुसार चीन भी प्रत्यर्पण संधि में शामिल होता जो इससे पहले हांगकांग ने कभी नहीं होने दिया था। सुरक्षा के तौर पर जब 1997 में ब्रिटेन ने चीन को 156 सालों के शासन के बाद शांतिपूर्वक हांगकांग वापस किया तब बीजिंग से ये वायदा लिया गया कि वे अगले 50 वर्षों तक हांगकांग को सर्वोच्च स्वराज का अधिकार देंगे, जिसका नारा बना एक देश दो प्रणाली। तुरंत ही प्रत्यर्पण अधिनियम के खिलाफ हड़ताल होने लगे। 12 जून को हांगकांग के 70 लाख निवासियों में से 20 लाख विधान परिषद के सामने जमा हुए। जनतंत्र समर्थकों को डर है कि इस अधिनियम से राजनीतिक मतभेदों को दबाया जाएगा, लोग अपने ख्यालात खुलकर नहीं बता पाएंगे, डर का माहौल बना रहेगा और चीन के एक तरफिया कम्युनिस्ट न्यायालयों के अधीन रहना पड़ेगा। लैम, जो 2017 में चीन द्वारा निर्वाचित हुई थी, उन्होंने जनता को आश्वासन दिलाना चाहा, ये केवल आपराधिक न्याय के लिए राजनीतिक अपराधों पर लागू नहीं होगा। लेकिन अधिनियम के अनुसार चीन हांगकांग के लोगों को काले धन के इल्जाम में गिरफ्तार करके उनके खाते भी बंद कर सकता है, इस बहाने से वो राजनीतिक विरोधियों को काबू में रख सकता है। 12 जून की रैली हिंसक हुई जब पुलिस ने शांतिपूर्ण और निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, बीन बैग और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। हालांकि लैम ने माफी मांगी, उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया और विचार विमर्श के लिए चीन रवाना हो गई, ये कहते हुए फिकर मत करो, मेरे शासन खत्म होने तक भी ये कानून शायद नहीं बन पाएगा। लेकिन जब प्रदर्शन फिर भी जारी रहे, समझो ये कानून मर गया। पर कानून सिर्फ दबाए रखा, वापस नहीं लिया। वैसे चीन ताइवान को आधिकारिक रूप से अलग देश स्वीकार नहीं करता, पर सालों से दोनों अपराधियों की अदला बदली करते आए हैं। हांगकांग भी इसी तरीके से चैन को सजा दिलवा सकता है। लगातार विरोध अब सीधे 7 सप्ताह से चला रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये हांगकांग को संकोच में डाल सकता है उसकी वित्तीय छवि को बनाए रहने में। जब पता चला कि कुछ बदमाशों के पास गोली बारूद और TATP विस्फोटक बरामद हुए हैं तो ये शक हुआ कि चीन हिंसा उत्तेजित करके विरोधियों का नाम खराब करने की कोशिश में है। फिर UN लॉन्ग स्टेशन में 45 लोगों को बेरहमी से पीटा गया, एक अब तक बुरी हालत में है। माना जाता है कि ये त्रिएड माफिया टोली का काम था जो अपना घटिया काम तमाम करने के बाद चढ़े शायद चीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियों में। अरब स्प्रिंग की तरह हांगकांग विरोध ने भी एक नया रूप ले लिया है जिसका असल कारण किसी को याद नहीं और मसला चीन के कम्युनिस्ट एजेंडे को खुद पर हावी होने से बचने के लिए बना दिया गया है। 1989 के तियानमेन चौक में प्रदर्शनकारियों पर हुई क्रूर कार्यवाही के बाद हांगकांग के विशाल प्रदर्शन चीन के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती लगती है।
गिरफ्तारी के एक महीने बाद ही चैन को 29 महीने की सजा सुनाई गई, पर पून के खून के लिए नहीं बल्कि उसकी मौत के बाद उसके क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए। मुकदमे के दौरान जेल में काटे गए वक्त और उसके अच्छे व्यवहार के मद्देनजर चैन को इसी अक्टूबर रिहाई मिलने की उम्मीद है, पर यहाँ हांगकांग की स्वतंत्रता अब भी खतरे में है। बिस्बो की शायरी। चीन चाहता बन जाए प्रत्यर्पण कानून, सारी घटना शुरू हुई जब हुआ पून का खून। इसके विरोध में खड़े हुए हांगकांग में भी लोग, उनको डर है चीन करेगा कानून का दुरुपयोग। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो हिंदी चैनल को और साइट के इस बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट